पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था? अभी मैं आपको आईने पाकिस्तान के बारे में चंद बातें डॉक्यूमेंटेड विद प्रूफ जो है ना, तारीखों के सबूत के साथ थोड़ा सा बताऊंगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का जो आईन बनाया गया वो किन्होंने बनाया, किस मकसद से बनाया और वो क्या था, उसके बारे में अभी चंद मिनट की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत अहम बात करने लगा हूं, तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी। ऐसा जबरदस्त मुस्तहकम उसूल है ये, अल्लाह ताला के ना फैसले तब्दील होते ना उसूल तब्दील होते, वो वही रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को या फर्द को कोई नेमत जब अता फरमा देते हैं तो उसके बाद दो में से कोई एक काम होता है, वो फर्द या कौम या तो उसको सही इस्तेमाल करते हैं या मिसयूज करते हैं, एक ही बात हो सकती है ना, या तो सही इस्तेमाल करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे, एक वक्त में गलत और सही दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक है। अल्लाह ताला जब किसी को कोई नेमत अता फरमाते हैं तो उसके बाद इसके इस्तेमाल के मुताबिक परवरदिगार के दो उसूल हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक निज़ाम के जरिए नाफिजुल अमल हो जाते हैं, वो क्या हैं उसको समझें। पहला बंदा वो है या पहली कौम या फर्द या उम्मत, कोई भी जिसको भी नेमत दी, बात नेमतें इनफरादी होती हैं बात इज्तमाही होती हैं, लेकिन उसूल एक ही है, वो क्या है, किसी को उस नेमत मिली अगर उसने उस नेमत का शुक्र अदा किया, दिल से शुक्र अदा किया उस नेमत के मिलने का और उस नेमत को उसी तरीके पर इस्तेमाल किया जिस तरीके पर इस्तेमाल करने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, नबी ने रास्ता बताया था, अगर इसने ऐसा किया तो क्या होगा, अल्लाह राजी हो जाएंगे, इसको इबादत का सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी और उस नेमत की बरकतों से या माला माल हो जाएगा, उससे मुस्तफीद हो सकेगा, उस नेमत में जो अल्लाह ने फायदे रखे हैं वो इसको मिलके रहेंगे और कयामत के दिन अल्लाह राजी होकर उससे बड़ी नेमत उसको अता फरमा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता कर देंगे। ये कौन सा बंदा था या कौम थी जिसने नेमत को लिया, उसको दिल से शुक्र अदा किया और उसके बाद सही तरीके पर जो अल्लाह का बताया हुआ तरीका उस पर उस नेमत को इस्तेमाल किया, क्या होगा, अल्लाह राजी हो जाएंगे, सवाब मिलेगा, उस नेमत की बरकतों से इंसान माला माल हो जाएगा और आखिरत में अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। ये तो उस केस में है ना कि बंदे ने नेमत को हक अदा किया। एक दूसरा केस है, वो कौन सा, वो केस ये है कि इंसान ने नेमत को ले तो लिया या कौम ने, लेकिन उस नेमत का ना तो शुक्र अदा किया सही तरीके से और ना ही उस नेमत को सही तरीके पर इस्तेमाल किया, अब क्या होगा, अब एक और खुदाई निजाम है, लइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अब यहां पे खुदाई निजाम क्या हकीक लगेगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेशन है ये, अब क्या होगा, इसने क्या किया था इस फर्द ने या कौम ने, इसने नेमत का दिल से हक अदा नहीं किया, शुक्र अदा नहीं किया और सही इस्तेमाल नहीं किया, अब क्या होगा, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, इसको गुनाह मिलेगा। तीसरे नंबर पे बात, उस नेमत के अंदर जो बरकतें जो फायदे जो आसानियां जो अल्लाह ने रखे थे ये उनसे महरूम कर दिया जाएगा, उसको वो चीजें नहीं मिल सकेंगी और नंबर चार आखिरत की सजा का मुस्तहिक हो जाएगा। अब अगर इसको हम इस तरह से लें, ये तो एक उसूल बताया ना, ये हर नेमत के लिए है, कोई नेमत हो, मुफ्ती हजरात भी बैठे हैं उलमा भी बैठे हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ ये बात की है, कुरान हदीस से मुताबिक है, कोई भी नेमत हो ऐसे ही जी, नेमत के शुक्र के ऊपर मामलात बदलते हैं और नाशुक्री पे मामलात दूसरे होते हैं, ये खुद बखुद अल्लाह का एक निज़ाम है, खुद बखुद हरकत में आता है। अगर हम इस सारे उसूल को सामने रखते हुए पाकिस्तान किस लिए हासिल हमने किया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां किस लिए दी, क्यों कुर्बानियां दी, क्यों मांगा, और हमारे बड़ों ने जो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि जो इस्लाम और दस्तूर साज असेंबली के अंदर सारे काम किए गए कि जो बुनियाद बनी इस जगह को हासिल करने की, अब हमने चूंकि उसको सही तरीके से न शुक्र अदा किया न जिन वजूहात पे जिन मकासद के लिए बनाया गया हासिल किया गया उनको भी पूरा न किया, तो क्या हुआ, ये मुल्क बेशुमार नेमतों से माला माल अल्लाह ने हमें दिया है, लेकिन इसकी उन बेशुमार बेबहा नेमतों से बावजूद पाकिस्तानी होने के पाकिस्तान में रहने के हम उनसे फायदा नहीं उठा पा रहे, वजह क्या है, वजह फकत नेमत की नाकदरी है।
वजह क्या है? फकत नेमत की नाकदरी है। वजह क्या है? नेमत की नाकदरी है कि जिस मकसद के लिए मुल्क दिया गया था उसको ना हमने समझा ना अमल करने की, अपने अपने हिसाब से कोशिश की। भाई जिसका जितना दर्जा उतनी तो वो कोशिश कर सकता है ना, हमने वो भी नहीं की। कम से कम हम अपनी दुआओं में तो अपने मुल्क को याद रख सकते हैं, वक्तन फवक्तन दो रकात पढ़ के, रोज दो रकात पढ़ के अपने मुल्क के लिए खैर तो अल्लाह से मांग ही सकते हैं ना, और अपनी ज़ात और अपने घर को तो रियासत मदीना का नमूना बना सकते हैं ना। क्या किया हमने इनमें से?